सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। और आज मेरे सामने खड़ी है टाटा हैरियर, और ये हैरियर का फियरलेस प्लस वेरिएंट है डार्क एडिशन में, और ये मैनुअल के साथ आता है। इसके अंदर चीज़ें क्या क्या इसके अंदर मिल जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैनुअल है, जब भी इसके अंदर आपको एडास मिल जाता है, और लेवल 2 के साथ इसके अंदर मिल जाएगा 360 कैमरा वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। और 25 लाख रुपए एक शोरूम इसका मिल जाता है, लगभग 29 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड डेली कॉस्ट करने वाली है। अब इससे 29 लाख रुपए देने के बाद, बेसिकली 25 लाख रुपए जो एक शोरूम है उसको देने के बाद क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है, और मैनुअल में क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। और अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्टिक हैं तो आपको मैनुअल ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप मैनुअल प्लान कर रहे थे हैरियर को, तो हैरियर के अंदर क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ये आपको कुछ इस तरीके की इसके अंदर मिल जाती है, लॉक अनलॉक, और ये बूट के लिए मिल जाता है, और ये लाइट्स के लिए मिल जाएगा। और अभी गाड़ी की बैटरी लो है, तो मैं आपको जो है इंटीरियर में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं दिखा सकता, बाकी फीचर्स आपको सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा दूंगा। वही बात कर लेते हैं चीज़ें क्या क्या मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आप देखते हैं तो सामने के साइड आपको पूरा ही कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती है, जैसे कि सफारी में मिलेंगे, और सफारी और हैरियर दोनों ही सामने से सेम लगती है। वहीं बात करते हैं आगे, डायनेमिक लाइट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगी, और यहाँ आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है नीचे, 2 क्यूबिक आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, दोनों ही एलईडी में मिल जाएंगे। यहाँ विंड कर्टन आपको यहाँ मिल जाएगा, 2 आगे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 360 कैमरा का आपको पहला कैमरा यहाँ मिल जाएगा, तो टाटा का आपको लोगो मिल जाता है। और अगर आप देखते हैं सामने पूरी ही पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नीचे स्कफ प्लेट इसके अंदर आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप बात करते हैं साइड पोर्शन की, तो यहाँ आपको हैरियर का पूरा बैज इधर मिल जाता है, डार्क एडिशन का पूरा बैज इधर मिल जाएगा। वहीं अगर आप बात करते हैं एलॉय व्हील्स, तो MRF के टायर इसके अंदर ऑफर किए गए हैं, और सेम एज हैरियर वाले ही जो है, बेसिकली हैरियर और सफारी में सेम एज यही आपको जो है एलॉय व्हील्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसका सेक्शन 245/55R 19 इंचेस का आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल है। नीचे आपको रनिंग बोर्ड भी इसके अंदर मिल जाते हैं, यहाँ आपको सिल्वर की गार्निश इसके अंदर मिल जाएगी। हालांकि रनिंग बोर्ड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाइलाइटेड आपको प्रॉपर लगेगा। पीछे भी आपको डिस्क इसके अंदर मिल जाएगा, क्वार्टर पैनल आपको इधर मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ प्रॉपर मिल जाएगी, और शार्क फिन एंटीना स्पॉयलर यहाँ आपको मिल जाता है, और डिफॉगर मिल जाएगा यहाँ अगर आप देखेंगे तो, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर और वाइपर यहाँ मिल जाएगा, टाटा का लोगो, पीछे कैमरा, साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको बीच में स्पेस दे देंगे, हैरियर लिखा हुआ मिलता है। पीछे 2 सेंसर्स मिल जाते हैं, एयर कर्टन यहाँ भी मिल जाएंगे, पीछे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। पीछे भी जो आपको सेटअप मिलता है लाइटों का, फुल्ली LED आपको पीछे भी मिलेगा कनेक्टेड लाइट्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखते हैं नीचे वाले पोर्शन की, तो नीचे भी पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट इसके अंदर यूज़ किया गया है। यहाँ से आप फ्यूल वगैरह इसके अंदर भर सकते हैं, और इवन अगर आप देखते हैं तो ये डीजल में ही आती है, और आपको पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप हैरियर या सफारी प्लान कर रहे हैं तो बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट तक आपको जो है डीजल ही मिलेगा, कोई भी ऐसा पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब एक बार इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर आपको डायमेंशन इसके अंदर मिलेगी 4,605 mm की इसके अंदर लेंथ मिल जाती है। वहीं अगर आप इसकी विड्थ की बात करते हैं, अराउंड 1,922 mm की इसके अंदर विड्थ मिल जाती है। वहीं अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं, अराउंड 1,718 mm की इसके अंदर हाइट मिल जाती है। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं। अब चलते हैं इंटीरियर में, और अगर आप देखते हैं तो विंड स्क्रीन पे भी आपको जो है ऊपर रडार आपको इसके अंदर मिल जाता है, और की मेरे पास है इसकी, और गाड़ी को मैं यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। चलते हैं जी इंटीरियर में, और डोर ट्रिम की बात करते हैं, फुल्ली ब्लैक्ड आउट आपको डोर ट्रिम मिल जाता है, पॉकेट्स मिल जाती है आपको बॉटल्स के लिए, स्पीकर सेटअप इधर मिल जाएगा, ORVM से रेड कंट्रोल, पावर विंडो से रेड कंट्रोल, और अगर आप देखते हैं पूरा ही सॉफ्ट टच यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी आपको कुछ पैटर्न मिल जाता है, और अगर आप देखेंगे डोर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मेमोरी सीटें मिल जाती है, वेंटिलेटिव सीटें मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखते हैं तो फंक्शनल आपको जो है इसका पूरा ही साइड रनिंग बोर्ड इसके अंदर मिल जाता है। सो जी इंटीरियर में आ चुका हूँ, इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो पूरा ही ब्लैक्ड आउट इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इल्यूमिनेटेड आपको इसके अंदर कंट्रोल्स इसके अंदर आ जाते हैं, इधर भी आपको टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड आ जाता है, बट अगर बैटरी लो हो तो बिल्कुल ही पूरा ब्लैक्ड आउट आपको इसके अंदर मिलेगा, कहीं भी बटन्स वगैरह नहीं मिलेंगे सिवाय इस चीज़ के और इधर के। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको एक तो क्रूज कंट्रोल इसके अंदर मिल जाएगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ आपको कुछ लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, वाइपर से कंट्रोल मिल जाते हैं, आगे भी एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि DEF के, टायर प्रेशर के, और कितना टॉर्क निकाल रही है गाड़ी, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। इवन अगर आप
बीच में यहाँ अगर आप देखते हैं तो स्पीकर का ग्रिल आपको इसके अंदर मिल जाएगा और एक बड़ी डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है, जिसके अंदर आप अगर आप देखते हैं तो एसी भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, प्योरीफायर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें आप यहाँ से चला सकते हैं। बाकी अगर आप देखते हैं सेंटर कंसोल तो पूरा ही पियानो ब्लैक फिनिश से भरपूर इसके अंदर मिलता है। और अगर आप देखते हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव जगह पे आपको यहाँ यूज़ किया हुआ मिलेगा, जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ ही यूज़ किया हुआ है, यहाँ अंदर यूज़ किया हुआ है, जहाँ ज़्यादा हाथ लगने वाली चीज़ें हैं, जहाँ ज़्यादा जो है बॉटल वगैरह लगेगी, वहाँ के साइड जो है कम पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं। और अगर आप देखते हैं इस वाले पोर्शन की तो यहाँ बॉटल्स अगर रखेंगे तो यहाँ स्क्रैच आने के ज़्यादा चांसेस, तो इस वजह से थोड़ा सा कम कर दिया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल ये हो गया है। बाकी अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको एक स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, रफ मोड, प्लेन मोड और स्नो मोड और मड वगैरह, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डिस्प्ले भी मिल जाती है जो आपको इंडिकेट भी करेगी कि आप किस मोड पर हैं। बाकी स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी आप इसके अंदर चला सकते हैं, इको मोड वगैरह भी आप इसके अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। 45 वॉट का टाइप सी और यूएसबी सॉकेट मिल जाता है और अगर आप देखते हैं इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सॉकेट मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखते हैं IRVM मिल जाता है, ऑटो डिमिंग और पैनोरामिक सनरूफ भी इसके अंदर मिल जाती है। अभी के टाइम पे भी इसका जो है ऊपर का जो ब्लाइंड है ये बंद हो रखा है, तो मैं इसका सनरूफ ओपन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसकी बैटरी पूरी डाउन हो गई है। और अगर आप देखते हैं तो ये पूरी ही LED लाइट्स इसके अंदर आपको प्रॉपर मिल जाता है। अगर आप देखते हैं यहाँ के साइड आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, अगर आप इस साइड देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिल जाता है, साइड में हैलोजन बेस्ड लाइट है आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ग्लव बॉक्स के अंदर आपको लाइट्स भी मिल जाएगी। और को ड्राइवर अगर आप देखते हैं तो को ड्राइवर भी आपकी जो सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आपको मिल जाएगी और वेंटिलेटेड मिल जाती है। आर्मरेस्ट की बात करते हैं, 12 वॉट का सॉकेट, यूएसबी सॉकेट और टाइप सी आपको मिल जाता है, कूल ग्लव बॉक्स इसके अंदर मिल जाएगा। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से जो है ये एडजस्ट हो जाता है इसका स्टीयरिंग, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर मिल जाती है। और मैनुअल है तो 3 पेडल इसके अंदर मिल जाते हैं, डेड पेडल इसके अंदर नहीं दिया गया है, अगर आप देखते हैं तो डेड पेडल इसके अंदर नहीं है। अब एक बार चलते हैं पीछे क्या कुछ स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। पीछे की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिल जाता है, फुल्ली ब्लैक्ड आउट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर का सेटअप और यहाँ भी आपको ट्यूटर का सेटअप मिल जाएगा, सन ब्लाइंड इधर मिल जाता है और पूरा ही लेदर राइट सेटअप आपको इधर मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक भी इधर मिल जाएगा। इवन अगर आप देखते हैं पीछे की साइड तो आपको कुछ इस तरीके का पूरा ही हेड एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाता है, आप सीट्स को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बैठते हैं इंटीरियर में और लकीली आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, जिसकी वजह से मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी इसके अंदर बता पाऊंगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो नी रूम काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, हेड एडजस्टमेंट आगे मिल जाता है, पीछे भी मिल जाएगा। और पीछे हेड एडजस्टमेंट दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, साइड से भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। पॉकेट यहाँ मिल जाएगी, यहाँ भी पॉकेट मिल जाएगा, फोन होल्डर मिल जाता है, यहाँ आपको जो है 5 वॉट का टाइप सी और यूएसबी सॉकेट मिल जाता है। डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का, पीछे भी आपको लाइट्स मिल जाती है एलईडी में और ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि सॉफ्टली बंद होता है। और आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा दो पॉकेट्स के साथ, बेसिकली दो कप होल्डर्स के साथ। और पीछे बूट स्पेस आपको काफ़ी कमाल का मिलता है, अगर इसका बूट ओपन हो पाया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस इसका जो है कुछ इस तरीके का इसके अंदर मिल जाता है, पीछे का बूट मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी का जो है पूरी बैटरी डाउन हो चुकी है, तो कुछ इतना इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। इन नंबर्स पे मैं आपको बता भी दूंगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो क्रायोटेक 170 डीजल इंजन इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि टर्बो डीजल इंजन इसके अंदर मिल जाता है और 2000cc का इंजन मिल जाएगा इसके अंदर। और अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करता हूँ तो 1956cc इसके अंदर इंजन मिल जाता है और आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसकी पावर की बात करते हैं 167.62 BHP निकाल के देगा और टॉर्क की बात करते हैं 350 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देगा। वहीं अगर आप बात करते हैं तो जो इसके अंदर प्रॉपर आपको एयरबैग्स इसके अंदर मिल जाएंगे, 7 एयरबैग्स वगैरह मिल जाते हैं अगर आप सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो, काफ़ी सही है। ऊपर भी आपको इंसुलेशन प्रॉपर मिल जाती है और एक काफ़ी कमाल का इंजन मिल जाता है। और अगर आप देखते हैं तो इंसुलेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, ये अगर आप देखेंगे साइड के फेंडर पे भी इंसुलेटेड पूरे जो है पूरा ही इंजन रहता है। नीचे भी आपको पूरा ही पैक मिलेगा, कोई भी अंदर का नीचे से आपको आर पार नहीं दिखता, प्रॉपर एक पैक इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।